नमस्कार, प्रवास अक्षर न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। दो दिवसीय रूस यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मॉस्को में भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारों के साथ भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया। भारतीय समुदाय से मिलकर प्रधानमंत्री बेहद खुश नजर आए। वहीं कई दिनों से प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियों में जुटे भारतीय समुदाय की खुशी का उस समय ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर मिला। हम सेल्वी हैं, चेन्नई से हैं और यहाँ पर काम करते हैं स्कूल, केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। हमें बहुत खुशी हुई आज हम प्रधानमंत्री से हम मिले और हमें बहुत खुशी हुई। मेरा नाम धर्मसुता है, मैं प्रयागराज से हूँ, उत्तर प्रदेश से, और हम यहाँ EOIS KVS में टीचर हैं। और आज हमें लोग अपने इतने बड़े विश्व के लोकतंत्र के अपने प्रधानमंत्री से मिलकर के, और जो विश्व के एक नेता होने जा रहे हैं बहुत बड़े, उनसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। और ये हमारे रूस और भारत की जो मित्रता है वो और सुदृढ़ हो और अच्छी हो, वो इकोनॉमिकली भी और संस्कृति के हिसाब से भी। अगर हम एक दूसरे के साथ आते हैं तो भविष्य में हम एक अच्छा ग्रुप बनेंगे और विश्व को लीड करेंगे। मेरा नाम अजय साहू है और मैं हिंदी शिक्षक हूँ यहाँ एम्बेसी ऑफ इंडिया स्कूल मॉस्को में। मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ भारत में। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मॉस्को रूस की दो दिवसीय यात्रा में आए हैं, हमें बेहद खुशी हुई। अभी अभी उनसे मुलाकात हमारी हुई हमारे विद्यार्थियों के साथ, और बहुत ही अच्छा सुखद वातावरण यहाँ पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से हमें लगता है कि भारत और रूस के संबंधों में और ज्यादा प्रगाढ़ता आएगी और पूरी दुनिया को एक अच्छा संदेश जाएगा और हमारे भारतीय लोगों को एक अदम्य उत्साह, उमंग प्राप्त होगा। भारत और रूस का संबंध और मैत्रीपूर्ण होगा, ऐसा मुझे लगता है। आई एम शांतिनी फ्रॉम कोलार गोल्डफील्ड कर्नाटका। फील इट टू बी अ ग्रेट प्रिविलेज इन मीटिंग अवर प्राइम मिनिस्टर, द ग्रेट लीडर ऑफ अ नेशन हियर इन रशिया। वी आर वर्किंग फॉर, वी ऑल आर वर्किंग फॉर EOIS मॉस्को। सो फील इट टू बी अ ग्रेट प्रिविलेज एंड इट वॉज रियली अ थ्रिलिंग मोमेंट, स्टनिंग मोमेंट टू मीट इट। Feel so happy as well. My name is Tamanna. I study in KV Moscow in class 10 and I'm very grateful that I got the opportunity to meet our Prime Minister of India. और वो आज मॉस्को आए थे। Many people from my school got to meet him, which is a really great opportunity for all of us and all of us are very grateful. हाँ, बहुत अच्छा experience था मोदी जी से मिलके। मैंने उनको पहली बार जिंदगी में देखा, उनको उनसे एक बार handshake किया, बहुत अच्छा लगा उनको देख के और हम सब बहुत खुश हुए और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ। हम आपको बता दें कि मॉस्को आगमन पर प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को में 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में मंगलवार को होने वाली वार्ता से पहले आज रात भारतीय प्रधानमंत्री के लिए निजी रात्रि भोज की मेजबानी भी करेंगे। मोदी और पुतिन मंगलवार को 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में व्यापार, ऊर्जा और रक्षा सहित विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के तरीकों पर विचार विमर्श करेंगे। हम आपको बता दें कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की शुरुआत के बाद से यह भारतीय प्रधानमंत्री की रूस की पहली यात्रा है। यह 2019 के बाद से मोदी की रूस की पहली और अपने तीसरे कार्यकाल की पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा भी है। उल्लेखनीय है कि भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी में सर्वोच्च संस्थागत संवाद तंत्र है। वार्षिक शिखर सम्मेलन बारी बारी से भारत और रूस में आयोजित किए जाते हैं। पिछला शिखर सम्मेलन 6 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, तब राष्ट्रपति पुतिन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। शिखर सम्मेलन में दोनों पक्षों ने शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत रूस साझेदारी नामक एक संयुक्त बयान के अलावा 28 समझौता ज्ञापनों और समझौतों पर मुहर लगाई थी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने आखिरी बार 16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में SCO के शिखर सम्मेलन के इतर द्विपक्षीय वार्ता की थी। इस दौरान मोदी ने यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के लिए पुतिन पर दबाव डालते हुए कहा था, आज का युग युद्ध का नहीं है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद से मोदी ने पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर कई बार बातचीत की है। भारत और रूस में अभी तक बारी बारी से 21 वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। आखिरी शिखर सम्मेलन 6 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस बीच मोदी की मॉस्को यात्रा से पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा है कि एजेंडा व्यापक होगा।
दूसरी ओर यूक्रेन में संघर्ष के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर वार्ता के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत शांतिपूर्ण और स्थिर क्षेत्र के लिए सहयोगात्मक भूमिका निभाना चाहता है। मोदी ने एक बयान में कहा, भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी पिछले 10 वर्षों में और बढ़ी है, जिसमें ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन और लोगों से लोगों का संपर्क आदि क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा, मैं और मेरे मित्र राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर दृष्टिकोण साझा करने को लेकर आशान्वित हूं। उन्होंने कहा, हम शांतिपूर्ण और स्थिर क्षेत्र के लिए सहयोगात्मक भूमिका निभाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह यात्रा उन्हें रूस में जीवंत भारतीय समुदाय से मिलने का अवसर भी प्रदान करेगी। हम आपको बता दें कि रूस के साथ अपनी मजबूत दोस्ती को इंगित करते हुए भारत ने अभी तक यूक्रेन पर मॉस्को के आक्रमण की निंदा नहीं की है। भारत यह कहता रहा है कि संकट को कूटनीति और बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। इसके अलावा G7 देशों द्वारा मूल्य सीमा तय किए जाने तथा कई पश्चिमी देशों में खरीद को लेकर बढ़ती बेचैनी के बावजूद भारत द्वारा रूस से सस्ते दाम पर कच्चे तेल के आयात में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साथ ही भारत रूस के साथ अपनी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का पुरजोर बचाव करता रहा है और यूक्रेन संघर्ष के बावजूद उसने संबंधों में गति को बनाए रखा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।